तो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक्साइट के इन्वर्टर के बारे में, दो मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ बातें इसके प्राइसिंग, इसमें क्या फीचर्स हैं, कितना लोड आप अपने घर का दे सकते हैं, कौन से बैटरी आप इस पर लगा सकते हैं, सब कुछ। सो वीडियो आपके लिए है। धुपकाली का सीजन है, इन्वर्टर आपको खरीदना होगा। सो ये वीडियो देख लीजिए। एक्साइट के दो मॉडल के बारे में हम जानने वाले हैं, कौन से मॉडल होने वाले हैं। चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम आगे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्साइट की बैटरी और एक्साइट का इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर कौन सा है ये भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एक्साइट के रेड कलर में इन्वर्टर आएगा। और एक्साइट का एक्चुअल में जो लोग लेते हैं वो एक्साइट के बैटरी के साथ में कॉम्बो ले लेते हैं। जिनका नया सेटअप है पुराना भी सेटअप होगा, तो जो नया सेटअप लेते हैं तो कोई लोग एक्साइट की बैटरी लेना पसंद करते हैं, तो साथ ही एक्साइट का इन्वर्टर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जिस इन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, तो चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो एक्साइट का इन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा रेड कलर में। एक्साइट इन्वर्टर GQP के नाम से आता है। तो ये क्या है डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्साइट का ये जो इन्वर्टर है इसको बोला जाता है ग्रिड क्वालिटी पावर विद 100% कॉपर ट्रांसफॉर्मर। जो कॉपर मतलब ट्रांसफॉर्मर जो है वो कॉपर वाइंडिंग का आपको देखने को मिलेगा, और GQP ग्रिड क्वालिटी पावर। बात करेंगे इसमें तो हाई क्वालिटी प्योर साइनजो का आपको इन्वर्टर देखने को मिलता है। जैसे आपकी अभी लाइट चली गई तो एक जो आपका PC, मान लीजिए कि हमारा लैपटॉप पे PC होता तो ये बंद हो गया होता अगर प्योर साइनजो नहीं होता है। तो प्योर साइनजो का फायदा ये है कि लाइट अगर चली गई तो आपका PC सिस्टम शुरू रहेगा, बाकी जो अप्लायंसेस उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लाइट चली गई, बल्ब है, चालू बंद हो गया तो कोई इशू नहीं है। पर जैसे जो काफ़ी PC वगैरह हो गए, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप तो खैर उसमें बैटरी होती है, तो ऐसे सिस्टम जो है वो बंद हो गए तो ये काफ़ी लॉस होने के चांसेस होता है। कभी लाइट चले गई, सडनली कभी कभी TV बंद हो जाती है, तो कुछ इश्यूज आते हैं। तो वैसे प्योर साइनजो का लेना काफ़ी जरूरी है, नॉइस नहीं होता है, एक वेल इन्वर्टर जिसको बोला जाएगा। तो कोई भी कंपनी का लेते हैं तो प्योर साइनजो के साथ में आपको जाना चाहिए, जो मैं हर यूनिट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कॉपर ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाद में 3-स्टेज ASIC चार्जिंग इसमें दिया गया है, और LCD एंड LED ड्यूअल डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा। पावर सेविंग मैनुअली मेंस बाईपास फैसिलिटीज भी इसमें दिया गया है। आउटपुट सॉकेट ऑटो स्मार्ट प्रोटेक्शन मेंस ओवरलोड थ्रू रिसेटेबल स्विच इसमें दिया गया है। 2 साल की ऑनसाइट वारंटी इसमें देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग बारे में बात करेंगे और ये कुछ यहाँ पे डिटेल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एक्साइट का, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके और बाकी बातें देख सकते हैं। और यहाँ पे जो दो मॉडल होने वाला है ये 850VA और 1050VA के बारे में बात करने वाले हैं। और मैक्सिममली इस तरीके से आपको कुछ इसके इमेजेस देखने को मिलेंगे, मतलब जो भी कस्टमर अपने घर में बैटरी लगाता है, इन्वर्टर लगाता है, तो इस तरीके से ये एक्साइट की इन्वर्टर की बैटरी है। इन्वा गोल्ड 48 महीने वारंटी के साथ में, ये इन्वा मास्टर काफ़ी चलने वाला ब्रांड ये भी इसके साथ में। और इस तरीके से ये इन्वर्टर होने वाला है, ये IT इन्वर्टर जो प्रीमियम ब्रांड के साथ में, जिसका पावर बैकअप काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलता है। और इस तरीके से ये कम्प्लीटली सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो 1050VA वाला है प्योर साइन वेव 6600 के करीब यहाँ पे आपको प्राइसिंग देखने को मिल रही है। आपके लोकेशन पे थोड़े कम में देखने को मिलेंगे। टेंटेटिव प्राइसेस है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए, प्राइसेस नोट डाउन करके रख दीजिए। प्राइसेस वैरी होते हैं लोकेशन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से प्राइसेस अलग अलग है, तो ये मैंने भी नोट डाउन किया, ये आप भी नोट डाउन करके रख दीजिए। तो लगभग यहाँ पे 6634 इसमें प्राइसिंग आपको ऑनलाइन में दिखा रहा है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो इसका बाइंग लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर एक्साइट के ऑथराइज के डीलर आपको हर एक लोकेशन में, इंडिया में हर एक लोकेशन में मिल जाएगी, उनके पास चले जाइए, परचेज कर लीजिए। और 6634 और कम प्राइसिंग में आपको आ सकता है, ये 10-2 प्राइसिंग है। अब यहाँ पे ये जो 1050VA है इसको हम 0.8 जो पावर फैक्टर होता है, 740-700 घर का लोड दे सकते हैं। मतलब इन्वर्टर कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना लोड देंगे। बैटरी आप 150 किलो 200 किलो, इन्वर्टर आपको जितना घर का लोड देना है वैटेज वो हिसाब से खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ से 1050VA वाला है, इस पर आप वैटेज 800-850 दे सकते हैं। 850 में क्या आ गया, एक फैन 80 एम्पीयर का होता है, 80 वैटेज का होता है, TV 100 से 150, सेट टॉप बॉक्स वगैरह पकड़ के, एक लैपटॉप 200 वैट का, PC होगा तो वो 200 वैट का, फ्रिज होंगी तो वो 250-300 वैट पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से कम्प्लीटली आपको मिला के 700-800 वैटेज देना है। अगर आपको ज़्यादा वैटेज देना है तो बड़ा इन्वर्टर लेना पड़ेगा, जैसे 1300-1400 वाला, वो भी इसमें अवेलेबल है।
तो उस पर आप फिर 1000 या 1100 1200 वी तक के मतलब वैटेज तक के लोड दे सकते हैं। इसमें 800 वैटेज दे सकते हैं, तो 800 वैटेज के लिए आप कंप्लीटली 8 से 9 फैन पकड़ लीजिए तो हो गया आपको 800 वैटेज, 750-800 वैटेज। उससे ज़्यादा देना है तो ज़्यादा कैपेसिटी का आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। फिर बैटरी 150 की ले रहे आप और उस पर अगर आपने लोड 800 पूरा दे दिया तो आधा या एक घंटा ही चलेगा। फिर कम लोड देंगे, जितना 200 वैटेज देंगे तो ज़्यादा देर चलेगा। फिर ज़्यादा बड़ी बैटरी लेना पड़ेगा 200 एम्पीयर की, फिर आप 700-800 वैटेज दे दें तो 2 घंटा चलेगा। इस तरीके से है, ज़्यादा लोड देंगे, ज़्यादा बड़ी बैटरी, बैटरी 150 एम्पीयर की भी है। लोड आपने अगर कम दे रहे हैं, जैसे कैपेसिटी 800 तक देना है, आप 200 भी दे सकते हैं, 800 से कितना भी कम, ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा देर चलेगा। जितना कम लोड देगी उतना ज़्यादा देर बैकअप मिलेगा, एज पर वो आपके बैटरी पे भी डिपेंड है। इस तरीके से इसका प्राइसिंग है। 850 के बारे में जानेंगे तो इसका प्राइसिंग 5400, तो इसका प्राइसिंग कम है क्योंकि ये कम कैपेसिटी वाला है। ये है 850, 850 के कैलकुलेशन कर लेंगे, 850 × 0.8 पावर फैक्टर, इस पर लोड दे सकते हैं 680। तो देख सकते हैं आप, अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 2-3 फैन है, तो आप बस ये लगा लीजिए कम वाला। ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा कैविटी वाला लेना होगा, जैसे 1200 मतलब 1050, उसके बाद में 1400 वाला भी इसमें अवेलेबल है, देख सकते हैं 1400 वाला, 1450। इसमें 1450 में 2 बैटरी वाला भी है, मतलब 2 बैटरी आपको लगाना है, ज़्यादा बैकअप चाहिए तो 2 बैटरी का सिस्टम भी इसमें है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 5-5 घंटा बैकअप चाहिए तो 150 एम्पीयर की 2 बैटरी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्वर्टर, भले आपका वैटेज कम है 800 ही है, पर 800 वैटेज पे अगर आप एक ही बैटरी लगाएंगे तो 2 घंटा चलेगा या फिर 1 ही घंटा चलेगा। फिर 800 वैटेज है, ज़्यादा बैकअप चाहिए तो 2 बैटरी लगा लीजिए, इन्वर्टर आपको 1450 वाला ही मिलता है, वैटेज उतना ही 800 दे रहा है, 2 घंटे का बैकअप मिलता है। फिर आपको ज़्यादा देर तक चलाना है तो 2 का 4 घंटे चलाना है तो 2 बैटरी आपको खरीदना होगा। इस तरीके से इसमें 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल देखने को मिले, मॉडल 4 है, पर ये 1400 वाला इसमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, 1 बैटरी 2 बैटरी में है और बाकी सिंगल बैटरी वाले, मतलब सिंगल बैटरी के इन्वर्टर है जिसके बारे में बात की। तो इसकी प्राइसिंग 5400 हो सकता है और थोड़े ज़्यादा में है या फिर कम में है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग आपको वैरी होती है। तो इस तरीके से हमारे इन्वर्टर है हमने बात की, और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप हमारे नियरेस्ट में रहते हैं तो आप हमारे ऑथराइज स्टोर पर आ सकते हैं, नीचे एड्रेस दिया गया है। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कलीग्स में, हमारा भी ऑथराइज शॉप है, और किसी तरीके की भी जानकारी चाहिए तो हम देते हैं। क्वेश्चन कीजिए जेन्युइनली, हम उसके बारे में वीडियो बना लेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को घंटा बटन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे जो वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, वीडियो आप देख सकते हैं। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। सो आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।